नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी हाय फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर विवेक तिवारी आज हम लोग आपके सामने होम्योपैथी के बारे में बताना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो है उनकी धारणा को चेंज करना चाहेंगे इसी सीरीज को चलते हुए मैं और डॉक्टर विवेक तिवारी आप, आपके साथ अपने सारे केसेस डिस्कस करेंगे तो फॉरवर्ड टू डॉक्टर विवेक तिवारी हाय फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले जो होम्योपैथी के लिए भ्रांतियाँ हैं आम लोगों के बीच में वो कुछ गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ इसमें सबसे बड़ी जो गलत फहमी है कि होमोपैथी बहुत स्लो होती है होमोपैथी का जो वर्क होता है बहुत स्लो होता है कई लोग तो आम आमतौर पर कहते हैं कि इसलिए नहीं आते हैं होमोपैथिक डॉक्टर के पास कि वो उन लोगों की सोच ये रहती है कि होमोपैथी बहुत स्लो वर्क करेगी जब तक हम ठीक होंगे पता नहीं साल भर लगे दो साल लगे कितना टाइम लगेगा तो ये सारी चीज़ें लोगों के मैंटिलिटी में रहती है इसलिए वो लोग कई बार डॉक्टर्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं और दूसरा ये कई बार ये सोचते हैं पेशेंट की जो क्रॉनिक केस होते हैं वहाँ पर होम्योपैथी वर्क नहीं करती है जहाँ पे एमरजेंसी हो वहाँ पर होम्योपैथी यूज़ नहीं होती है या होम्योपैथिक एक मेडिसिन एक्ट नहीं कर पाएगी ये लोगों की जो सोच रहती है हम लोग का भी जो वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव है वो यही है कि लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहते हैं हम लोग और होम्योपैथी की अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आगे चलते हैं हम हमारे केसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट केस आज डॉक्टर विवेक तिवारी अपना डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जो कि एक स्किन डिसीज़ है मेनली जो एक पेशेंट को पैर में हुई है आप इसकी पिक्चर देखिए तो ये जो केस आया था ये एक बहुत सिंपल सा केस था इसको एक छोटा सा एक बॉयल हुआ था लेकिन एक डॉक्टर की नादानी की वजह से वहाँ पे जो कट लगाया जो हाई डोज में एंटीबायोटिक दिए तो वो डिसीज़ फैल कर बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी ठीक है तो ये मैं आपको इमेज में जो पेशेंट मेरे पास फर्स्ट विजिट पे आया तेईस फरवरी को आया था तो आपको जो मैं फोटो दिखाने वाला हूँ ये तेईस तारीख की फर्स्ट फोटो जो फर्स्ट विजिट थी पेशेंट की तेईस फरवरी दो हज़ार उन्नीस को ये ज़्यादा लंबे टाइम का नहीं है इट्स जस्टल्टा तो जो फर्स्ट विजिट थी पेशेंट की ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैबरे तो इस टाइम जो पेशेंट आया था बहुत पेनफुल जो पैर में वॉयल हो गया था बहुत काफ़ी फैल चुका था उसका डायमीटर मीटर डिस्चार्ज पर्स्ट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था वो पेन अनबीयरेबल पेन था पेशेंट को पेशेंट का भी एग्ज़ाम चालू होने वाला पेशेंट इज़ जस्ट ओनली एटीन ईयर ओल्ड फीमेल फीमेल पेशेंट और उसके भी बोर्ड एग्ज़ाम चालू होने वाले थे और बहुत ही अनबीरेबल पेन था उसको तो वो जो ट्वेंटी थर्ड को आए मेरे पास तो जो कंडीशन थी मैं आपको इस फ़ोटो में दिखा रहा हूँ इसके बाद मैंने जो मेडिसिन दिया ट्वेंटी थर्ड की इवनिंग में दिया साढ़े सात बजे और इसके बाद चौबीस तारीख का दिन उसने तीन डोज मेडिसिन लिया और जो नेक्स्ट में फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ ये चौबीस तारीख का है तो इस 24 तारीख के पे चौबीस तारीख का जो तीन डोज लेने के बाद ट्वेंटी को जब आता है पेशेंट मतलब सिर्फ़ एक तरीके से देखा जाए तो एक ही दिन मेडिसिन लिया क्योंकि तेईस तारीख को तो वो रात को आया था चौबीस तारीख के मेडिसिन लेने के बाद ट्वेंटी को जब आता है पेशेंट शाम को मतलब विद इन विद इन टू डेज़ पेशेंट का जो वॉयल का जो डायमीटर था वो काफ़ी कम हो गया है पस डिस्चार्ज बंद हो गया था और पेन बिल्कुल गायब हो चुका था तो सिर्फ एक दिन की मेडिसिन में तीन डोज लेने के बाद पेशेंट को ये कंडीशन में आ चुका था और इसके बाद फर्स्ट मार्च को जो पेशेंट एक्चुअली जो है बाहर का था आउट ऑफ सिटी से है तो मेरे क्लिनिक से करीब 200 किलोमीटर दूर रहता है तो फिर उसने जो एक मार्च को व्हाट्सअप किए मुझे फ़ोटो उसमें काफ़ी ड्राई हो चुका है बॉयल और मतलब ये पाँच छः दिन में पेशेंट की रिकवरी काफ़ी कुछ हुई है इसमें जो स्किन की लेयर न्यू ग्रोथ हो गई है आप देखेंगे जो पाँच तारीख का जो फ़ोटो मैं आपको शो कर रहा हूँ इसमें आप जो सेकंड विजिट uh, में आया है और फिर थर्ड विजिट में जो आया है सेकंड और थर्ड में आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखिए कि जो स्किन की नई लेयर का डेवलपमेंट तो ये उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं कहती इज़ जस्ट लाइक प्लेसी तो उन लोगों के लिए ये कि जो होमोपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं हाँ तो वो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ सावधानी की गोली है या yeah, ये असर करेगी हमारे मरने के बाद असर करेगी कई लोग ये कहते हैं तो सिर्फ ये दो टाइप के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी वर्क करती है और बहुत मेरेकल वर्क है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर हैनीमन जो उन्होंने ऐसी पद्धति बनाई और लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है और जो पेन पेशेंट का ठीक हुआ है प्यूरलेंट डिस्चार्ज मतलब जो आप फर्स्ट फोटो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लिटिल फिंगर है बिल्कुल मतलब तो सड़ने वाली कंडीशन में आ चुकी है उसमें ब्लैकेस्ट डिस्चार्ज और फर्स्ट जो फॉर्म हुआ है मतलब तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी गैंग्रीन वाली कंडीशन वहाँ पे फॉर्म हो गई थी लेकिन सिर्फ पाँच दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक हुई हैं आप जो लास्ट में मेरा देखेंगे और भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू है इसके बाद जैसे जैसे उसके फॉलो अप आएंगे मैं उसको नेक्स्ट बताते रहूँगा और इसके बाद मैं एक YouTube पे कैन यू प्लीज टेल द मेडिसिन आपने कौन सी मेडिसिन यूज की थी वैसे तो हम लोग होम्योपैथी में टोटलिटी पर वर्क करते हैं हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग मेडिसिन होती है बट इस केस में डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन दी थी वो प्लीज आप डिस्कस करिए देखिए ये जो केस था और ये नहीं मोस्टली जो स्किन डिजीज होते हैं ये जो केस होते हैं पलिशन या सप्रेशन के, के केस होते हैं मोस्टली नाइन्टी परसेंट केसेज जो होते हैं पल्यूशन होते हैं या तो उन्हें एलोपैथिक दवाई या फिर कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन देके उस बीमारी को दबाया गया है तभी वहाँ पे स्किन डिसीज़ फॉर्म हुई है और जो स्किन डिसीज़ होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो मसे हमारे हो जाते हैं या फिर प्री मैचोर ग्रेइंग ऑफ हेयर है बाल सफ़ेद हो रहे हैं ये सारी जो बीमारियाँ है होती हैं जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी पर दिखाई दे रही हैं ये जो बीमारियाँ है होती हैं एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट है कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या बीमारी पैदा हुई है जड़ क्या है जिसका ये एक्सप्रेशन है तो ये इट इज़ ए टाइप ऑफ स्केल जिससे हम नाप सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में क्या बीमारी हुई है तो इसको यदि हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन दे के एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लोशन या ये लगा कर उसे ठीक करते हैं तो उसे हमारा एक जरिया ख़त्म हो जाता है अंदर की बीमारी को देखने का कि वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि कभी भी स्किन डिसीज़ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमें यूज नहीं करना है इरियम एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन सिंस ऑइलमेंट या क्रीम जो हम लोग लेकर आते हैं मार्केट्स और जो लगाते हैं जिसके तहत हमारी स्किन में बहुत जल्दी इफेक्ट तो आ जाता है बट वो मुश्किल से छः सात दिन के लिए रहता है और हमारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती है दाएदा, दाएदा। तो इस पेशेंट को जो हम लोगों ने मेडिसिन दिए थे सिर्फ जो तेईस तारीख को फर्स्ट विजिट पे आया उसको हमने सल्फर 200 का एक सिंगल डोज दिया है ओरली पेशेंट को दो बूंद दवाई मुंह में दी है जिसकी वजह से उस पेशेंट में इतना चेंजेस आया है कि वो 25 तारीख को जो सेकंड फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि वो सिर्फ दो बूंद का एक पावर था कि उससे इतना चेंजेस हो चुका है फिर इसके बाद हम लोगों ने जो मेडिसिन है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट हमने जो स्टार्ट किया है वो सब पेशेंट की वजह से सल्फर दिया है लेकिन जो मेडिसिन हम लोग नेक्स्ट उसमें दिया देते हैं किसी भी पेशेंट को तो वो ऐसा नहीं है कि दो पेशेंट आए तो दोनों को सेम दवाई देंगे ठीक है दोनों क्योंकि जो हम लोगों का होमोपैथी में वर्क होता है एक लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन की हर व्यक्ति विशेष अलग अलग होता है कभी भी दो पेशेंट एक जैसे नहीं होंगे हम दोनों को अलग अलग दवाई हो हो जाएंगी इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को जो दवाई काम किया तो वो दूसरे को काम करेगा तो इस पेशेंट के जो कंटिन्यू कंटिन्यू फॉलो अप आएंगे मैं आपको रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अपडेटेड फ़ोटोज़ आएंगी रिजल्ट क्या आ रहा है अभी तो सिर्फ छः सात दिन हुए हैं नेक्स्ट उसमें आप लोगों को बताता हूँ सो फ्रेंड्स की वॉचिंग अवर वीडियोज की वॉचिंग अवर केसेज वी विल की अपलोडिंग अवर वीडियोज़ हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक अकाउंट को लाइक करिए नमामि होम्यो वाले एंड आज के लिए इतना ही स्वस्थ रहे मस्त रहे धन्यवाद होम्योपैथी अपनाए रोगों को दूर भगाए नमस्कार दोस्तों